हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली ब्यूटीफुल 10 ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। 10 हेयर स्टाइल हैं, फ्रंट हेयर स्टाइल हैं, कॉलेज गर्ल्स के लिए, ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए। छोटे बाल हैं मेरी तरह तो आप भी बना सकते हो ये 10 हेयर स्टाइल। बहुत ही आसान ईजी तरीके से आप बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश दिख सकते हो। और अलग अलग फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग सारे हेयर स्टाइल हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोग के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैनल पे भी जाइएगा, सेकंड चैनल पे आप लोग को मिलेगा मेकअप ट्यूटोरियल से रिलेटेड ऑल वीडियोज़। तो वहाँ पे भी जाइए और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे अलग अलग टाइप की वीडियोज आपको मिलेंगी, स्किन केयर रूटीन एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स। और इस चैनल पे आपको सिर्फ हेयर से रिलेटेड ऑल वीडियोज मिलेंगी। तो आपको यहाँ पे हेयर से रिलेटेड ऑल वीडियोज मिलेंगी और हेयर स्टाइल से रिलेटेड अमेजिंग अमेजिंग वीडियोज मिलेंगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हेयर स्टाइल करेंगे हम लोग, उसके लिए हमको सिर्फ इस तरीके की 2 क्लिप्स चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा वो आप राउंड फेस के लिए कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। आवाज़ यहाँ पे मेरी कट हो गई थी, आवाज़ आ ही नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा से एडिटिंग की है, तो प्लीज़ डोंट माइंड लिप्स अगर मैच नहीं हो रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसमें आपको क्या करना है, सिंपली जैसे ये मेरी तरह लेंथ है आपके, छोटे बालों पे ही सारे हेयर स्टाइल बना सकते हो आप। तो सिंपली यहाँ से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से उठाना है। ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है, इस तरीके से हमने यहाँ से हेयर लिया। कुर्ती के साथ बहुत प्यारा लगेगा, राउंड फेस के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इस तरीके से हल्का सा ट्विस्ट करना है, हल्का सा आगे की तरफ पुल करना है, जिससे कि पफ का लुक आ जाए और हमारा जो राउंड फेस पे इस टाइप का हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगता है। पूरा नीचे से नहीं लिया है, क्योंकि पूरा नीचे से लेंगे तो हमारा फेस बहुत चौड़ा दिखेगा, इसीलिए इस तरीके से ईयर को हाइड करते हुए आपको बनाना है। तो ऊपर आईब्रो तक हमको हेयर को उठाना है, देन हल्का सा ट्विस्ट करना है, इस तरीके से आगे की तरफ पुल करना है एंड क्लिप लगा देनी है। और है ना, बहुत ही ईजी एंड ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बना लोगे। तो मैंने क्लिप लगा दिया और ये हमारा हेयर स्टाइल देखिए कंप्लीट हो गया। साइड से लेयर्स अगर लॉन्ग है तो और भी प्यारा लगने वाला है ये हेयर स्टाइल। तो ये देखिए, तो कुर्ती के साथ बहुत बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल। बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। ये हेयर कटिंग की वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, खुद से हेयर कट किया है, सेल्फ है। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। इस तरीके से आप ये वाला हेयर स्टाइल कुर्ती के साथ जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत प्यारा लगेगा। साड़ी पहन रहे हो तो भी बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन आप कॉलेज जाओगे तो साड़ी तो नहीं पहनोगे, लेकिन आप घर में अगर साड़ी पहन रहे हो तो आप इस ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। जो सेकेंड हेयर स्टाइल है वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको लॉन्ग फेस के लिए। तो लॉन्ग फेस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप साइड पार्टीशन रखिए और एक साइड का जैसे सारे हेयर एक साइड में रखिए, तो बहुत प्यारा लगेगा आपका जो लुक है वो। इस तरीके से एकदम फ्लैट कॉम करेंगे, बालों को एकदम चिपकाते हुए यहाँ पे लेके जाएंगे और एक क्लिप ऐड कर देंगे। लॉन्ग फेस के लिए बेस्ट हेयर स्टाइल है ये, राउंड फेस पे भी जाएगा, बट जिसका लॉन्ग फेस है उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो ऐसे ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। और क्लिप को हमेशा क्रॉस में लगाइए। क्रॉस में लगाने से क्या होता है कि एक तो आपका लुक स्टाइलिश दिखता है एंड जो हमारा जैसे हमने हेयर को सेट किया वो वैसे का वैसे रहता है, बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हिलता है। और सारे हेयर को एक साइड में रख लीजिए और ये हमारा देखिए लॉन्ग फेस के लिए काफ़ी अच्छा हेयर है। यहाँ से अगर आपके लेयर्स निकल रहे हैं तो उसको निकाल के आप ऐसे छोड़ सकते हो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप हेयर सेटिंग स्प्रे से इसको ऊपर की तरफ कॉम में सेटिंग स्प्रे लगा के और इस तरीके से कॉम कर दोगे तो ऊपर की तरफ चिपक जाएगा, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। और ये हेयर कट भी बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप देख लीजिए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा लॉन्ग फेस के लिए सेकेंड हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया, जो कि बहुत ईजी है। बहुत ही आसानी से आप अपने फेस को फ्रेम दे सकते हो और अपने लुक को स्टाइलिश बना सकते हो। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको जैसे लॉन्ग फेस के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, आप इस तरीके से कर सकते हो और सारे हेयर को एक साइड में रखोगे तो बहुत प्यारा लगेगा। ओके, तो ये देखिए इसका फाइनल लुक सेकंड हेयर स्टाइल का। ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज गर्ल हो, काफ़ी अच्छा लगेगा ये भी हेयर स्टाइल। फर्स्ट एंड सेकंड हेयर स्टाइल दोनों कुर्ती पे बहुत अच्छा लगेगा, कुर्ती पहन रहे हो आप। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो थर्ड हेयर स्टाइल के लिए पहले मैं क्लिप को ओपन कर लेती हूँ, क्लिप निकाल लेंगे एंड थर्ड हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, ये वाला हेयर स्टाइल आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ बना सकते हो, वेस्टर्न ड्रेस पे बहुत प्यारा लगेगा। सिंपली आपको इस तरीके से लेना है हेयर को एंड एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करते जाना, लेकिन ध्यान दीजिएगा लाइन एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, जो मांग निकल रही है
बराबर में ही लेके जाना है और एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करते जाना है। ये आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ यानी कि जींस टॉप के साथ पहन सकते हो, शर्ट पहन रहे हो तो बना सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। ये ऑल फेस पे जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिप लगा दो, दो क्लिप लगाएगा, एक क्लिप से अच्छे से सेट नहीं होगा और इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। दूसरा क्लिप लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया यहाँ पे, ये देखिए, और काफ़ी प्यारा लगता है। जींस टॉप के साथ भी अच्छा लगेगा और सूट के साथ भी अच्छा लगेगा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और इसी में हम बनाएंगे फोर्थ हेयर स्टाइल। फोर्थ हेयर स्टाइल जैसे कि आपका फोरहेड बहुत छोटा है तो आप फोर्थ हेयर स्टाइल इसी हेयर स्टाइल के साथ कर सकते हो। ऊपर का तो ऐसे ही, सेंटर का ऐसे ही छोड़ दोगे एंड साइड से आपको क्या करना है, अगर लॉन्ग फेस है तो एक साइड हेयर रख के छोड़ दीजिएगा, जिससे कि आप आपके फेस पे ये लुक अच्छा लगेगा। और अगर आपका फोरहेड बहुत छोटा है, फेस बहुत छोटा है, तो इसी हेयर स्टाइल को आप थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे सकते हो। तो ये हमारा तीसरा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया। तो चौथे हेयर स्टाइल में हम बताएंगे छोटे फोरहेड के लिए हेयर स्टाइल। तो यहाँ से आपको इस तरीके से हेयर को लेना है, जो हमने पहले दबाया हुआ उसको नीचे की तरफ से लेके जाएंगे। देखिए ये पकड़ लिया हमने। अब जो दूसरा लेयर ले रहे हैं उसको ऊपर की तरफ से ऐसे रखेंगे और फर्स्ट वाले जो हमने पहले दबाया हुआ उसको नीचे की तरफ से ऐसे ही करते करते पूरा ईयर तक के हेयर को लेके जाएंगे। ऐसे दबाते जाएंगे और बहुत प्यारा सा लुक आपका बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग एक क्लिप लगा देंगे। तो जिसका भी छोटा माथा है, फोरहेड बहुत छोटा है, तो इस तरीके का आप हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। ओके, सेकंड दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करना है। तो इस तरीके से बना लिया और यहाँ पे भी हम लोग क्लिप लगा देंगे। ओके, और ये हमारा छोटे माथे के लिए हमारा चौथा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। इससे आपका फेस पूरा दिखेगा, छोटा फेस है तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, फोरहेड छोटा है तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमारा चौथा हेयर स्टाइल भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड चलते हैं पांचवे हेयर स्टाइल की तरफ। तो पांचवे हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो उसके लिए मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपको पहले साइड पार्टीशन कर लेना है बालों का और कोशिश करना है कि आप अपने फोरहेड को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड कर सको, छिपा सको, जिससे कि आपके फेस को एक फ्रेम मिले और बहुत बढ़िया लुक आए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं आपको बिग फोरहेड के लिए दो हेयर स्टाइल बता दे रही हूँ। तो ये हमारा पांचवा हेयर स्टाइल होगा। सेंटर से क्राउन एरिया पे से इस तरीके से हेयर को लेना है एंड एक पफ बना देना है बिग फोरहेड के लिए। अगर आप बीच की मांग निकाल रहे हो तो कुछ इस तरीके से बनाना है। और जो हमने यहाँ पे सेंटर पार्टीशन की हुई है, थोड़ा थोड़ा बालों को खींच लेंगे जिससे कि हमारा पफ परफेक्ट दिखे और अच्छा लगे। और इस तरीके से फोरहेड को हाइड करते हुए ईयर के पीछे बालों को लेके जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिप भी लगा सकते हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा हेयर दबा हुआ है तो इस तरीके से खींच लेंगे। और ये हमारा पाँचवा हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो गया है बिग फोरहेड के लिए। ओके, बड़े माथे के लिए और चौड़े माथे के लिए। ओके, तो इसी में आप छठा हेयर स्टाइल भी कर सकते हो। अगर आपको सेंटर पार्टीशन पसंद नहीं है तो आप क्या करोगे, साइड से पार्टीशन ले लोगे बालों की और आप अपने बड़े माथे को छोटा दिखा सकते हो और अपना लुक को स्टाइलिश बना सकते हो। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको फ्लिक्स को रखना है। ऐसे ही रखोगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा है, आपको फ्लिक्स बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको थोड़ा सा इस तरीके से फोरहेड को हाइड करते हुए बैक साइड में लेके जाएंगे और यहाँ पे एक क्लिप लगा देंगे, जिससे कि आपको आप कंफर्टेबल भी रहो और आपका जो फोरहेड है वो भी थोड़ा सा हाइड हो जाए। क्लिप लगाने के बाद से क्लिप को हाइड कर देंगे और यहाँ से थोड़ा थोड़ा हेयर खींच के अपने फोरहेड को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो साइड से भी आपको दूसरी साइड से भी लेयर को निकालना है और अपने फोरहेड पे रखना है। ओके, तो ये हमारा छठा हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया। ओके, चलते हैं सातवें हेयर स्टाइल की तरफ। तो सातवें हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, साइड पार्टीशन की हुई है मैंने बालों की एंड यहाँ से इस तरीके से हेयर को उठाएंगे, आईब्रो के आज से हेयर को लेंगे, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद से अगेन थोड़ा सा हेयर उठाएंगे यहाँ पे और उसी ट्विस्टिंग के साथ मिक्स कर देंगे
और आगे की तरफ पुल करेंगे, साइड पफ का लुक आ जाएगा और यहाँ पे क्लिप लगा देंगे। ओके, क्लिप लगाते ही हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सातवां हेयर स्टाइल ऐसे छोड़ सकते हो आप, डबल क्लिप लगाएंगे हम लोग क्रॉस करके क्लिप को, जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो वहीं का वहीं टिका रहे। और ये हमारा सातवां हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया, लग रहा है ना बहुत ही क्यूट एंड ईजी है बहुत ही। अगर इसी में आप आठवां हेयर स्टाइल करना चाहते हो तो इस साइड से आप क्या करोगे, थोड़ा सा और अपने लुक को अच्छा दिखाने के लिए हेयर को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से ट्विस्ट करना स्टार्ट करेंगे। ट्विस्ट करके बैक साइड में क्राउन एरिया पे एक क्लिप लगा देंगे, दूसरा लेयर लेंगे, इसको भी ट्विस्ट करेंगे और क्राउन एरिया पे ले जाके क्लिप लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा आठवां हेयर स्टाइल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आठवां हेयर स्टाइल है छोटे बालों के साथ कॉलेज एंड ऑफिस जाने वाली लड़कियों के लिए। क्लिप को डबल क्लिप लगा देंगे जिससे कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो है ना, सारे ही हेयर स्टाइल बहुत ही इजी एंड क्यूट। तो चलते हैं नौवें हेयर स्टाइल की तरफ। नौवें हेयर स्टाइल में आप फ्रंट से इसका लुक देख लीजिए पहले और बैक से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा आपको। और ये सारे हेयर स्टाइल आप ऑल ड्रेस के साथ कर सकते हो और आपकी फेस के फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग है। नौवें हेयर स्टाइल में हम अपने ईयर से ईयर तक पूरा हेयर को उठा लेंगे, पूरा हेयर लेंगे तो थोड़ा सा हमारे हेयर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो जिससे कि आपको क्लिप वगैरह का ध्यान रखना है, थोड़ा क्लिप ज़्यादा लगाना है। तो इस तरीके से हेयर को लेंगे और हल्का सा ट्विस्ट करेंगे, यहाँ पे ट्विस्ट करके आगे की तरफ पुल करेंगे इस तरीके से पफ बनाएंगे और इसको क्लिप से, तीन चार क्लिप से अच्छे से सेट कर दीजिए। दो क्लिप से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ दो क्लिप से बता रही हूँ, तो दो क्लिप से भी अच्छे से सेट हो जाएगा। बस आप ध्यान दीजिएगा कि क्लिप लगाते टाइम क्लिप को क्रॉस करके लगाइए, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़े नहीं और एक जगह पे टिका रहे। तो इस तरीके से लगा दिया, साइड से लेयर निकाल लीजिएगा आप। ओके, और ये हमारा नौवां हेयर स्टाइल भी कम्प्लीट हो गया यहाँ पर और आप अपने कॉलेज एंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो। पफ को अच्छे से सेट करने के लिए आप एक दो क्लिप और ऐड कर सकते हो अगर आप चाह रहे हो तो। तो ये बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगता है एंड फ्रंट से भी। अब चलते हैं हम लोग दसवें हेयर स्टाइल की तरफ। दसवें हेयर स्टाइल में क्या करना है, पफ को आपको ओपन नहीं, खोलना नहीं है, एक क्लिप और ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम और सारे हेयर को एक हाई पोनी बनाएंगे। ओके, अच्छे से कॉम कर लेंगे बैक साइड से और एक रबड़ बैंड लगाएंगे एकदम अपने क्राउन एरिया पे, जहाँ पे हमने क्लिप्स लगाई है वहाँ तक हेयर को लेके आना है और अपने क्राउन एरिया पे एक रबड़ बैंड लगाना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने रबड़ बैंड ले लिया है और अच्छे से देखिए किस तरीके से लगा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, रबड़ बैंड को सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से लगाइएगा। दूसरे साइड में इस तरीके से मैंने पकड़ा है, पूरे हेयर को घुमा के लाएंगे, देन अगेन रबड़ बैंड को ट्विस्ट करेंगे एंड लगा देंगे। इस तरीके से लगा देना है, सिर्फ एक रबड़ बैंड से बहुत ही खूबसूरत आपका बन बन के रेडी हो जाएगा। ये हेयर स्टाइल जिनको ओपन बाल पसंद नहीं है, खुले बाल पसंद नहीं है, छोटे बाल हैं, आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो, तो आप इस तरीके से रबड़ बैंड से हाई बन बना के अपने बालों को अच्छा सा लुक दे सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, ऑफिस गोइंग गर्ल्स हो, कॉलेज जा रहे हो, घर में रह रहे हो, आपको स्टाइलिश सा लुक चाहिए तो आप ऐसे दे सकते हो। अब बालों को जगह जगह से खींच लेंगे और एक मैसी सा बन बनाएंगे और खींच के जैसे आपको कंफर्टेबल हो, जैसे आपका बन अच्छा बन जाए वैसे आपको हेयर को खींचना है एंड यूपिन देके अच्छे से यूपिन को लगाते जाना है और आप छोटे बालों में अपने हेयर को एक अच्छा सा लुक एंड बड़ा सा बन बना सकते हो इस तरीके से। अब दूसरी साइड भी सेम, जहाँ से भी आपको लगे वहाँ से हेयर को खींचिए और क्लिप को लगा दीजिए। देखिए बहुत ही आसानी से हमारा यहाँ पे बन बन के रेडी हो गया, वो भी इतने छोटे बालों में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो ये दसवां हेयर स्टाइल एंड सारे हेयर स्टाइल में से कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है ये भी ज़रूर बताएगा। इसका फाइनल लुक देख लीजिए, बैक से कुछ इस तरीके का दिखेगा, देखिए काफ़ी प्यारा लग रहा है, बिल्कुल भी बेकार नहीं लग रहा है और आप ये करके ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। और लेयर्स निकालना है निकाल लीजिए, नहीं निकालना आप ईयर के पीछे रख सकते हो जैसे कि मैंने रखा हुआ है। जहाँ से भी आपको बन थोड़ा सा अनमैनेज लगेगा वहाँ पे आप अपना क्लिप वगैरह ऐड करते रहिएगा। देखिए हो गया। तो गाइज, इन
इनमें से कौन सा हेयर स्टाइल आपको सबसे अच्छा लगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट देखने के लिए थैंक्स।